Hello friends, welcome to my channel ABC of Gardening and all. कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे. ठंड का सीज़न है तो आज मैं एक नया फ्लावर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ. ये पिटूनिया का ही वैरायटी है जिसे सुपरटूनिया के नाम से जाना जाता है. और पिटूनिया को सीड्स के थ्रू लगाते हैं लेकिन इनको सीड इनमें फॉर्मेशन नहीं होता है इसलिए इनको कटिंग के थ्रू लगाया जाता है. ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट के तौर पे और ग्राउंड कवर के तौर पे इनको हम यूज़ कर सकते हैं. हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही आइडियल होते हैं क्योंकि ये बहुत बल्क में फ्लावर्स देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ये करते हैं. और क्योंकि हम इनको हैंगिंग लगाते हैं इसलिए इनकी मिट्टी जो है वो पोरस रखते हैं और लाइट वेट रखते हैं. इसकी जब आप मिट्टी बनाते हैं तो इसमें आप 50% मैन्योर यूज़ कीजिए और उसके साथ में आप 25% चाहें तो सैंड मिला लीजिए, रिवर सैंड, और 25% आप चाहें तो कोकोपीट मिला लीजिए. और कोकोपीट यदि उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल गार्डन सॉइल में मिला लीजिए. क्योंकि इनमें ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप इनको वीकली फर्टिलाइज़र भी दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए. आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध है मार्केट में, आप चाहें तो वो बना सकते हैं, बुला सकते हैं, उनको आप डाल सकते हैं. फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने घर में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उनको दीजिए. इनको पानी बहुत चाहिए होता है, डेली आप इसमें वाटरिंग कीजिए क्योंकि ये हैंगिंग रहते हैं, पूरा पानी इनका बह जाता है तो इनको डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है. और दूसरा जो है, क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं जब तक फुल ब्लूम पे नहीं होते या जब तक आपका हैंगिंग जो है वो भरा नहीं होता तब तक इसकी जो है वो ब्यूटी बढ़ती नहीं है. तो इसके लिए आप जो है ये जो फूल चुके फ्लावर्स होते हैं इस तरीके के मुरझाए हुए, इनको आप रिमूव करते जाइए. जितना आप रिमूव करेंगे उतने ये फ्लावर्स से भर जाएंगे. दूसरा जो है इनको जो है सी कटिंग के थ्रू लगाया जाता है तो जो पुरानी कटिंग होती है, देखिए इस तरीके की, इसमें कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं है, तो आप इनकी कटिंग निकाल लीजिए और इसको यहीं पर लगा दीजिए. तो जब ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा तो ये अपने आप बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा. दूसरा, जब आप ऑर्गेनिक अपने उसमें जाते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने के बाद में हमारी सॉइल जो है वो उसमें ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो हमारी सॉइल को पोरस बना देते हैं, तो उसमें जड़ों को हवा भी लगती है, दूसरा वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी होते हैं. जब वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उनमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते, और जो लगते भी हैं इत्तेफाकन यदि वो लग भी गए तो वो पेड़ों को कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. तो और अच्छी बात ये होती है जब आप ऑर्गेनिकली अपने किसी भी पेड़ पौधे को ग्रो करते हैं तो आप उनकी मिट्टी को रीयूज़ कर सकते हैं. अब मैंने आपको बताया कि आप इसको फर्टिलाइज़र भी दीजिए. दूसरा, इसको धूप में टांगिए. इनको सुपरटूनियास जो है इनको धूप बहुत चाहिए होती है. आप दिन में यदि 6 से 8 घंटे की इनको धूप लग जाए तो बहुत अच्छा होता है. इसीलिए क्योंकि इनका ब्लूमिंग ही जो है वो सन के ऊपर बेस्ड होता है, जितनी अच्छी उनको सनलाइट मिलेगी उतने अच्छे ये ब्लूम होंगे. और अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए यदि आपके पास पिटूनिया रखे हुए हैं तो सुपरटूनियास भी आप इनके कॉम्बिनेशन में लेकर आइए. सुपरटूनिया की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप इनको कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के बढ़ने में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है इनका, ये अपने लिमिटेशन में बढ़ते हैं और वो दूसरे प्लांट को बढ़ने का पूरा पूरा मौका देते हैं. पर जब हम पिटूनिया की बात करते हैं तो पिटूनियाज जो हैं वो जब उनको लगाया जाता है तो पूरे ग्राउंड में वो फैल लेते हैं, मतलब पूरी जगह वो घेर लेते हैं, इसलिए दूसरे प्लांट को उनके साथ लगाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ये आप देख रहे होंगे मेरा जो प्लांट है ये पूरा भरा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है. सिर्फ इसकी डेड हेडिंग मैंने की है और इसमें मैंने थोड़ा सा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है मैंने एक आध दफ़ा ही डाला होगा. तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे थम्स अप दीजिए और अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग.